हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से, मेल भी आ रहा था कि मैम प्राइवेट पार्ट के बालों को कैसे रिमूव करें, कैसे साफ करें, इसका कोई उपाय बताएं, कोई घरेलू उपाय बताएं। बता देते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, भाइयों चाहे बहनों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से और आप लोगों के लाइक शेयर की वजह से हमारे अंदर हिम्मत मिलती है, जोश आता है, जुनून आ जाता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। और आप अपने पर्सनल सवाल अगर करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपने पर्सनल सवाल को हमारे मेल आईडी पर, इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे फेसबुक पे भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं, आपके अनचाहे बाल हो, चाहे आपके चेहरे के बाल हो, चाहे वो जो मूछी होती है यहाँ के बाल हो, चाहे आपके हाथ के बाल हो, पैर के बाल हो, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट के बाल हो, अगर आप इसे साफ करना चाहते हैं तो जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जेंट्स भी इसे लगा सकते हैं, महिला भी इसे लगा सकती हैं। इसे लगाने से क्या होता है कि इसे आपको बहुत ही जल्दी बाल साफ हो जाते हैं। और इसे अगर आप किसी चीज़ से, जैसे कि आप बनाते हैं रेजर हो गया या फिर किसी और चीज़ से जब आप बनाते हैं, तो बनाने के बाद क्या है कि वहाँ पे कुछ एक दिन के बाद या दो दिन के बाद देखेंगे तो दरदरा सा लगता है, जब बाल ऊपर आता है ना तो दरदरा सा लगता है। तो ये नुस्खा जो आप लगाएंगे ना, जो मैं आपको बताऊंगी, इस नुस्खे को लगाने से बाल अंदर से जड़ से निकलते हैं और इसे दरदरा सा भी नहीं होता है, आपको बहुत ही मुलायम वहाँ पर लगेगा, बहुत ही मुलायम महसूस होगा। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं इस नुस्खे में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है, उसको ध्यान से सुने। पहला है, आपको चने का बेसन लेना है, 2 से 3 चम्मच चने का बेसन ले लें और इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर मिक्स कर लें। आप इसको लेप बनाने भर जितनी मात्रा में इसका लेप बनाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं डालना है आपको, उसमें दूध डालना है। दूध डालने से वहाँ की स्किन मुलायम रहेगी। अगर खुरदुरी हो जाती है प्राइवेट पार्ट को साफ करने के बाद, या फिर शरीर के किसी भी अंग पे जब बाल साफ करते हैं या खुरदुरी हो जाती है, आपको खुजली जैसा होता है या फिर बाल जल्दी नहीं निकलते हैं ना, तो आप दूध को डाल दें तो दूध से भी क्या हो, वहाँ की स्किन भी मुलायम रहेगी, ड्राई नहीं होगी और स्किन साफ रहेगी। बता देते हैं, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने शरीर के किसी भी बाल को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये सदियों पुराना नुस्खा है, इसे जो लोग भी ने आजमाया है उसे 100% इसका रिजल्ट मिला है। मैं साथ कहती हूँ, अगर आप लोग भी इसे ट्राई करते हैं तो आप शरीर के किसी भी बाल को साफ कर सकते हैं आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर जो लोग नए मेहमान हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर किसी एक अलग नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।